नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और सामने जो ओवरब्रिज देख रहे हैं ये ग्वालियर की ओर जाने वाला मार्ग है। आगे रेलवे क्रॉसिंग है और अधिकतर जाम की स्थिति बनी रहती थी, अब ओवरब्रिज बनने जा रहा है। लगभग 50% के आसपास काम हो गया है, 60% भी कह सकते हैं, काम जोरों पर है। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 तक शायद बन के तैयार हो जाएगा और फिर झांसी वाले इस पर फर्राटे भरेंगे। ओवरब्रिज के बनने से कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आए दिन रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोग बाग अपने काम धंधे को जाते हैं, नौकरी को जाते हैं, समय से भी निकलते हैं, फिर भी जाम में फंस जाते थे। अब ओवरब्रिज जब बन जाएगा तो समय की बचत होगी, टाइम से अपने काम धंधे को पहुंचेंगे। आसपास अच्छी अच्छी कॉलोनी है, एक खूबसूरत नज़ारा है, लोगों को इतनी जल्दी मस्ती है कि क्रॉसिंग बंद भी है होती है फिर भी लोग बाग नहीं मानते हैं। ये हर जगह देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड में ही देखने को मिलता है, क्योंकि मानव के नेचर में ऐसा भर गया है कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम निकल जाएंगे, हम आड़े तिरछे होके निकल जाएंगे, हम ऐसे होके जाएंगे, ये चलता रहता है। अरे हम आराम से निकल जाए, कोनो दिक्कत नहीं होगी, ये सब चलता रहता है। और उसके वजह से कभी कभार उसको धोखा भी खाना पड़ता है और चोटिल भी हो जाते हैं, फिर भी है कि दिल मानता नहीं है। दिल जो ठहरा अब लौट के आ रहे हैं। एक कहावत बनी थी, लौट के बुद्धू घर को आए, बुज़ुर्गों की पुरानी कहावत थी। बुज़ुर्गों की जब बात नहीं मानी जाती थी और फिर जब लौट कर आते थे तो बुज़ुर्ग ऐसे ही अपने बच्चों से संबोधित करते थे, अपने बच्चों को, कि लौट के बुद्धू घर को आए। अगर पहले मान जाते तो काहे को परेशान होते। कोई बता दे फिर भी नहीं मानत कि बच्चा होते नहीं निकल पियो, लेकिन जब तक अपनी आँखन से ना देख लें तब तक हम नहीं माने और फिर लौट चले। बस 2024 तक बन के जब तैयार हो जाएगा तो हम आप इस पर मज़ा लेंगे। मार्केट संवाद की रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें मार्केट संवाद। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।